गलत बोलूं तो बोल देना। पिंगोरा से इधर इधर जितना भी हमारा रूपवास का क्षेत्र है, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये भी नदभई की विधानसभा का हिस्सा है। नदभई की तरफ भी चंद जगह उन्होंने केवल छोटे मोटे काम किए हैं, वरना उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल झूठ बोलने में माहिर हैं। उज्जैन में तहसील का दर्जा तो दिला दिया, लेकिन तहसील में कोई अधिकारी नाम की चीज नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन से लेके चिकित्सक तक नहीं है। और इतनी सारी हमारी समस्याएं हैं, खासकर हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, 12वीं करने के बाद में उनको इतनी दूर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है कि भरतपुर जाते हैं। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि यहाँ उज्जैन में इस क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, कभी महसूस नहीं किया। यही हाल नदभई का है, चाहे वो बाईपास का हो, चाहे रेलवे के ओवरब्रिज का हो, चाहे वहाँ पे सरकारी डिग्री कॉलेज ITI या विश्वविद्यालय का हो। एक तरफ तो आज नदभई को कोटा के बाद में दूसरा स्थान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ बहन दीपा जी ने कोई ध्यान उधर नहीं दिया, केवल पूंजीपति और प्राइवेट संस्थानों को बढ़ाने का काम किया है। अगर सरकारी कॉलेज ITI वो खुलवाती तो हो सकता है गरीब किसान मजदूरों के बच्चे उसमें पढ़ सकते। हम जिस जिस गांव में भी गए, लगभग 300 गांव और नंगला हैं, हम जिस जिस गांव और नंगला में भी गए, तमाम लोगों में आज बहन दीपा जी का भयंकर विरोध है। वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमाई है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि इतने लंबे समय में जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो आगे कुछ छोटा मोटा भी विकास करा पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, और आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, केवल अपना बटन दबा के जिसकी आप चाहेंगे बत्ती जला देंगे, जिसकी चाहेंगे बुझा देंगे। 7 तारीख को आपको मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में भेजा है प्रत्याशी के रूप में, और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्याशी के रूप में जरूर आ गया, लेकिन मैं किसी नेता के रूप में आपके बीच में नहीं आया। मैं तो सभी बुजुर्गों के चरणों की धूल बन के आपकी सेवा करना, मैं यहाँ आपके सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। बहन दीपा जी तो राजा की बेटी है, राजा मानसिंह जी की। मैं तो आप जैसे साधारण किसान का बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ। सदैव केवल और केवल आपके साथ मिलके और इस क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य आए हैं। मैं कोई कमीशन खुली करने नहीं आया। बहुत दूर मेरा गांव नहीं है, उज्जैन से लगा हुआ गांव है 12 माइल। हमारे पूर्वज यहीं से थे, हम लोग दिल्ली में कारोबार अपना काम धंधा करते हैं, और पिछले लंबे समय से मैं यहां 6 साल से लगातार आप सभी के और कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को केवल और केवल विकास के नाम पे जब आप 15 साल तक बहन दीपा जी को चुन सकते हैं, तो एक बार अपने भाई को अपने बच्चे को भी 5 साल का मौका जरूर देना। मेरा सपना है कि जो हमारे क्षेत्र के लोगों को, जो हमारे क्षेत्र के गांवों को बहन दीपा जी ने पीछे किया है, मेरा सपना है कि जो पीछे गांव और घर हैं, वो अब जब मुझे आप मौका देंगे तो वो सबसे आगे पहली लाइन में होंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज यहाँ रहता है लोगा, उसमें हमें कोई फर्क नहीं, जो हमारे जाटा भाई हैं उसमें हमें भी कोई फर्क नहीं। सच्चाई ये है कि हम और आप सब पिटे हुए हैं। जाटा भाई थोड़े ज़्यादा पिटे हैं, आप और हम थोड़े कम पिटे हैं, लेकिन पिटे सब हैं। और पिटे और पिटे जब सारे एक हो जाएंगे और साथ साथ हो जाएंगे, 7 तारीख को, 7 तारीख का चुनाव है, साथ साथ हो जाएंगे, तो 11 तारीख को एक और एक 11 हो जाएंगे और आपकी यहाँ से जीत हो जाएगी। और जब आपकी जीत हो जाएगी तो मैं आप ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में ये सोचेगा कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। समाज, सारी पंच, सरदारी पटेल सब साथ आए हैं हमारे, आप सब हमारे बहुत सम्मानित हैं। सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक मौका अपने बीच के आदमी को भी दो, जिसको आप जब चाहो आधी रात कान पकड़ के उठा सकते हो। आपको मुझसे
किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी दलाल की पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं। मैं तो पूरा कागज हूँ, खुली किताब है, जहाँ आप महसूस करोगे वहीं खड़ा मिलूंगा। और केवल बहन जी ने अगर मुझे आपके बीच में भेजा है तो केवल सेवा करने के उद्देश्य से भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नदबई में बीएसपी लगातार पिछले 3 चुनावों से दूसरे स्थान पर रहता है, रहती है भैया दूसरे में, और थोड़ी थोड़ी वोटों से हारती है, और थोड़ी थोड़ी वोटों से हारती है। अब की बार जो ये हार वाला लंबे समय से चला रहा है, इसको आप जब चाह लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और दूसरे से आप पहले स्थान पे बीएसपी को ले जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक बहन दीपा जी हैं, उनको लगभग लगभग पूरे क्षेत्र ने नकार दिया है। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, मैं केवल जो आदमी जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता की बहुत सारी आशा और उम्मीद उससे होती हैं और वो उस पर खरा नहीं उतरता, तो मैं ऐसे व्यक्ति का जरूर विरोधी हूँ कि जो जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में उन्हें बनाया होगा तो उस पर वो खरा नहीं उतरी। तो मेरी केवल विकास की राय है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं जब गाँवों में जाता हूँ तो माता बहनें मिलती हैं और कहती हैं कि भैया फिर वोट मांगने आ गए, हमारे यहाँ तो पानी की ऐसी समस्या है कि डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से लाते हैं, रात को 12-12 बजे तक लाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को कभी यहाँ चांस नहीं मिला, अगर चांस मिलता तो आप हकदार थे कि आप उससे खूब हमारी पार्टी की बुराई करते। मैं तो आपसे केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मुझे एक चांस दो। जो भी कार्य है, पानी का हो, गांव में जिस तरह की हम देख रहे हैं व्यवस्था है, कीच है, कोई पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, लोगों के लिए रोजगार तक के लिए कुछ नहीं सोचा, इससे दुखद शर्म की कोई बात नहीं करती। तो जबकि भरतपुर जो है अच्छा जिला है और पूरे देश में भरतपुर का नाम है, सरसों के मामले में भरतपुर को जाना जाता है और बर्ड सेंचुरी है उसके मामले में। अगर यहाँ हम एक औद्योगिक नगरी भी बना सकते थे, कुछ फैक्ट्रियाँ लगा के, उद्योग लगा के नौजवान बच्चों को रोजगार भी दिलवा सकते थे, लेकिन उस ओर उनका ध्यान नहीं है जिनको हमेशा क्षेत्र सुन रहा है। आप तो मुझे केवल एक चांस दो, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। और कहना चाहता हूँ माता बहनों से विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि एक चांस मुझे मिलेगा तो जीवन में कभी शिकायत मुझसे नहीं सुनोगे। सबसे पहली मेरी अगर कोई प्राथमिकता होगी तो वो होगी जो इस क्षेत्र को पिछड़ा गया है, जिन चीज़ों से, जिन मुद्दों पे पिछड़ा है और जो चीज़ें वास्तव में आवश्यक हैं उन्हीं पे मैं काम करूँगा, सबसे पहले उसी के लिए काम करूँगा। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए सदा आभारी रहूँगा। और निवेदन करता हूँ कि 7 तारीख को एक वोट भी ना बचे, एक वोट भी ना बचे, क्योंकि हम जो 3 हमारे चुनाव हारे हैं उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि हमारी वोट बहुत सारी बाहर रहती है और वो छूट जाती है। जब वो छूट जाती है तो फिर वोटिंग का परसेंटेज कम हो जाता है। जो जो बाहर हमारी हैं अपनी वोट, उन सबको भी निवेदन कर लो कि भैया 7 तारीख को आके वोट डाल जाना। ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया वो भी पूरा हो जाएगा और परिवार के लोगों से मिलके भी चले जाओगे और अपना काम भी कर जाओगे। जो लंबे समय से एक कलंक चला आ रहा है कि बसपा हारती है, वो भी धुल जाएगा, ये सारे काम हो जाएं। और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 65-70% से पोलिंग को कम से कम 90-95% ले जाना, और जब 90-95 ले जाओगे तो पूरी हवा है आपकी। नदबई विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाओ, मैं तो कहना चाहता हूँ जो हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं कि आज 1-2 गाड़ी लेके घूम लो मधुबई की तरफ भी, पूरे क्षेत्र में घूम लो, केवल और केवल हर जगह नीला झंडा हाथी वाला चल रहा है। और वो सिर्फ इसलिए चल रहा है, मेरी हैसियत नहीं, अगर मैं इस क्षेत्र में आया मुझे ताकत देने वाले केवल आप और आप ही, जब आपने मुझे ताकत दी तो यहाँ एक माहौल पार्टी के पक्ष में बना। तो बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 7 तारीख को मशीन जो आएगी ईवीएम की, दूसरे स्थान पर मेरा नाम है, हाथी का निशान है, तो आपको वही बटन दबा के इस बार तो कम से कम विकास के नाम पे सोच के और दिल पे हाथ रख के बहन दीपा जी की बत्ती को बुझा देना और अपने भाई और बेटे की बत्ती को जला देना।
जय।